हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गैजेट्स दुनिया में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में बात किया था टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 20,000। सो अगर आपने वो वाली वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फाइनली बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 15,000 के बारे में। इस प्राइस रेंज में काफी सारे फोन्स एक दूसरे को हाई कंपटीशन दे रहे हैं एंड साथ ही आपको एक बढ़िया पावरफुल प्रोसेसर के साथ हाई रेजोल्यूशन वाली मल्टी कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएंगे। 2020 में जो फोन्स आ रहे हैं वो सिर्फ बेसिक्स फीचर्स ही नहीं बल्कि इस फीचर्स मिलेंगे, जैसे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर्स, गेमिंग प्रोसेसर्स, हाई रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले, मल्टी कैमरा सेटअप्स, ग्लास बेस्ड डिजाइन एंड मच मच मोर। तो दोस्तों, इन सारे स्मार्टफोन्स में आपको काफी सारे अच्छे फीचर्स देखने को मिले, जो पहले के फोन्स में लगभग 40 से 50,000 के फोन्स में जो स्पेसिफिकेशंस आते थे वो अब 20 के फोन्स में स्पेसिफिकेशंस आने लगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी GST लगने के कारण जो फोन की प्राइसेस हैं वो थोड़ा हाइक हो गई हैं। अब बात करते हैं, चलिए इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप हमारे न्यू अपडेट्स को मिस ना कर पाए। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के फर्स्ट स्मार्टफोन की तरफ। तो दोस्तों, फर्स्ट स्मार्टफोन हमारी लिस्ट का Realme 7। दोस्तों, इस स्मार्टफोन में आपको 6.5 इंचेस की AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी जिसका स्क्रीन रेजोल्यूशन होगा 1080x2400 पिक्सल का। साथ ही इस फोन में आपको 90Hz वाली रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। फोटोग्राफी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 64MP के प्राइमरी सेंसर के साथ क्वाड रियर कैम का सेटअप सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिसमें 8+2+2+3 अलग सेंसर देखने को मिलेंगे विद 64MP। एंड सेल्फी के लिए इसमें आपको 16MP का एक जबरदस्त कैमरा मिलेगा जो आपके सेल्फी को क्लियर तरीके से क्लिक करेगा एंड आपको शार्पनेस के साथ शो करेगा। परफॉर्मेंस एंड गेमिंग के लिए इस स्मार्टफोन में आपको MediaTek Helio G95 का एक गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि ऑक्टा कोर प्रोसेसर होगा एंड पेयर्ड होगा विद 6GB रैम सपोर्ट के साथ। साथ ही इसमें आपको पावर एंड बैटरी सपोर्ट के लिए 5000mAh का बढ़िया बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा जो कि 30 वाट तक की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के नेक्स्ट स्मार्टफोन की तरफ। दोस्तों, नेक्स्ट स्मार्टफोन हमारी लिस्ट का पोको की तरफ से पोको M2 Pro। इस स्मार्टफोन को पावर्ड किया गया है स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर के साथ एंड इसमें आपको मिल जाता है 4GB तक के रैम का सपोर्ट, साथ ही 20 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट जो कि अंडर 15,000 एक बढ़िया फीचर्स कह सकते हैं हम इसे। इस स्मार्टफोन में आपको एक ऐप ड्रॉवर का फीचर भी देखने को मिल जाता है जो इसे Xiaomi के फोन से थोड़ा डिफरेंट बनाता है। कैमरे में आपको मिल जाता है बैक पे एक 48MP का क्वाड शूटर और सामने की ओर मिल जाता है इसमें आपको 16MP का एक सेल्फी शूटर। स्क्रीन फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 6.67 इंचेस का एक बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी जिसका स्क्रीन रेजोल्यूशन होगा 1080x2400 पिक्सल का। साथ ही अगर बात करें बैटरी बैकअप की तो इसमें आपको 5000mAh का एक बढ़िया बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा जो कि सपोर्ट करेगा 20 वाट तक की फास्ट चार्जिंग को। अगर बात करें कैमरा स्पेसिफिकेशंस की तो इसमें आपको 48+8+5+2MP के 4 रियर कैमरे देखने को मिलेंगे बैक पे। तो अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के थर्ड स्मार्टफोन की तरफ। तो दोस्तों, थर्ड स्मार्टफोन हमारी लिस्ट का Realme की तरफ से Narzo 20 Pro। इस स्मार्टफोन में आपको 6.5 इंचेस की एक फुल HD प्लस फुल स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलेगी, साथ ही 90Hz वाली रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाएगी। बात करें अगर रैम एंड रोम सपोर्ट की तो इसमें आपको 6GB का रैम एंड 64GB का इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसे आप माइक्रो SSD का यूज करके इसे इंक्रीज भी कर सकते हैं। परफॉर्मेंस के लिए इसमें आपको MediaTek Helio G95 का गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिलेगा, मतलब इस फोन में आप गेमिंग कर सकेंगे इजीली। बात करें अगर फोटोग्राफी फीचर्स की तो इसमें आपको क्वाड रियर कैम का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा जिसमें 48MP का एक प्राइमरी कैमरा होगा, साथ ही में 16MP का इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें इस फोन के स्लॉट की तो इस फोन में आपको डुअल सिम स्लॉट देखने को मिल जाएगा और एक माइक्रो USB का स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा, मतलब आप तीनों एक साथ लगा सकेंगे। ये स्मार्टफोन रन करता है एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पर। पावर सपोर्ट के लिए इसमें आपको 4500mAh का एक बढ़िया बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा जो कि पावर्ड होगा 65 वाट की सुपर डार्ट चार्जिंग के साथ। इसमें आपको दो वेरिएंट्स भी देखने को मिल जाएंगे, 6+64 जिसकी प्राइस आपको देखने को मिलेगी 14,999 एंड दूसरा है 8+128 जिसकी प्राइस आपको देखने को मिलेगी 16,999 रुपीज़। यह रहे हमारी लिस्ट के टॉप 3 स्मार्टफोन्स। अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के नेक्स्ट स्मार्टफोन की तरफ। तो दोस्तों, नेक्स्ट स्मार्टफोन हमारी लिस्ट का Realme की तरफ से 6i।
तो दोस्तों Realme के ने इस स्मार्टफोन को बजट रेंज के अंदर ही लॉन्च किया था, जिसमें Android 10 ऑपरेटिंग सिस्टम का सपोर्ट दिया गया है जो कि बेस्ड है Realme UI पर। एंड साथ ही इस स्मार्टफोन में आपको 6.5 इंचेस की एक फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जिसका स्क्रीन रेजोल्यूशन होगा 720x1600 पिक्सल का। साथ ही इसमें आपको गेमिंग और फोन को स्मूथ रन करने के लिए MediaTek Helio G90T का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। Realme ने अपने इस फोन को भी दो वेरिएंट्स में लॉन्च किया है, 4+64 जिसकी प्राइस है 12,999 रुपये एंड दूसरा 6+64 जिसकी प्राइस है 14,999 रुपीज़। तो इन दोनों वेरिएंट में से आप कोई भी स्मार्टफोन परचेज कर सकते हैं जो आपकी बजट के अंदर है। अगर बात करें इस फोन के हाइलाइटेड फीचर्स की, तो इसमें आपको Gorilla Glass V5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी जो आपकी स्क्रीन को प्रोटेक्ट करेगा। अगर कैमरे फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको रियर पे क्वाड कैम का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिसमें 48 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी लेंस, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का एक लेंस और 2 मेगापिक्सल का आपको इसमें मैक्रो लेंस देखने को मिल जाएगा। आपकी बढ़िया सुंदर सी सेल्फी को क्लिक करने के लिए इसमें आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल का एक इन डिस्प्ले कैमरा। साथ ही इसमें आपको 4300mAh का एक बढ़िया बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा जो सपोर्ट करेगा 30 वाट तक के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट को। साथ ही अगर बात करें डिब्बे की, तो इसमें आपको डिब्बे में 20 वाट का चार्जर देखने को मिल जाएगा। तो ये रहे चार ऐसे स्मार्टफोन जो अंडर 15,000 आते हैं विद बेस्ट स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स। तो अभी एक स्मार्टफोन हमारी लिस्ट में बचा है, अभी बात करेंगे उसके बारे में। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों बढ़ते हमारी लिस्ट के लास्ट स्मार्टफोन की तरफ। तो दोस्तों लास्ट स्मार्टफोन हमारी लिस्ट का Xiaomi की तरफ से Redmi Note 9। तो दोस्तों इस फोन में आपको MediaTek Helio G85 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि एक हाई परफॉर्मेंस ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। इस फोन में आपको मिल जाएगा 5020mAh का एक बैटरी बैकअप जो कि 18 वाट तक की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। साथ ही अगर बात करें इसकी डिस्प्ले की, तो इसमें आपको 6.53 इंचेस की एक बढ़िया डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी जो कि एक डॉट नॉच डिस्प्ले होगी। इसमें आपको 1080x2340 पिक्सल का स्क्रीन रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। साथ ही स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए इसमें भी आपको Gorilla Glass V5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। अगर बात करें फोटोग्राफी फीचर्स की, तो इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का एक AI लेंस के साथ 3 अलग अलग सेंसर देखने को मिलेंगे जो कि हैं 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा। सेल्फी के लिए इसमें भी आपको 13 मेगापिक्सल का एक जबरदस्त कैमरा देखने को मिलेगा, जिसमें आपको काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे जैसे HDR मोड, फ्रंट फेसिंग फ्लैश, फेस रिकॉग्निशन। इस फोन में आपको 4+64GB स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जिसे आप इजीली जाकर परचेस कर सकते हैं। कनेक्टिविटी फीचर्स आपको सभी स्मार्टफोन्स जैसे इसमें भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये रहे हमारे टॉप 5 स्मार्टफोन्स जो आते हैं अंडर 15,000। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे स्मार्टफोन्स आपको पसंद आए होंगे। तो आप इन स्मार्टफोन्स में कोई भी स्मार्टफोन परचेस कर सकते हैं, सभी स्मार्टफोन्स बेस्ट हैं। बात करें फीचर्स की, स्पेसिफिकेशंस की, कैमरा की, तो सभी फीचर्स में सारे स्मार्टफोन्स बेस्ट हैं। तो कोई भी स्मार्टफोन आप जाकर परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।